मूंग की दाल का समोसा, मूंग की दाल का समोसा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी मूंग की दाल तली हुई, पुदीने का पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून साबुत सौंफ, लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, चाट मसाला आधा टीस्पून, काला नमक आधा टीस्पून, 1 कटोरी मैदा लगभग 250 ग्राम। जो मूंग की दाल के समोसे बनाने की, मूंग की दाल को मैंने 4 से 5 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था, उसे पानी से निकाल कर तेल में फ्राई कर लिया। अब इसमें हम सौंफ, पुदीने का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और नमक एक साथ मिलाकर मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। इस तरह का हमें पाउडर तैयार कर लेना है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून हींग और इसे भी अच्छी तरह मिला देंगे। मैदे को एक प्लेट में निकालेंगे। उसमें आधा बड़े चम्मच रिफाइंड तेल डालकर अच्छी तरह मिला लेंगे। और उसे पानी डाल के थोड़ा मुलायम गूंथ लेंगे। ये मैंने पहले से मैदा गूंथ कर रखा था। इस तरह का हमें एक डो तैयार कर लेना है, इस तरह का। अब इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, इस तरह इसके छोटे छोटे पेड़े बनाकर बेलना है। से 20 से 2 भागों में काट लेंगे। इस तरह इसे मोड़कर तिकोण आकार देंगे और चारों तरफ मैदे को घोलकर इसमें चारों तरफ लगा देंगे। अब इसमें बना हुआ मूंग दाल का मिश्रण भरेंगे और इसे इस तरह दबा देंगे ताकि ये तलने पर खुले ना। इस तरह हम सारे समोसे एक साथ तैयार कर लेंगे। ये मैंने कुछ समोसे पहले ही तैयार करके रख लिए थे। अब इसे गैस पर कढ़ाई चढ़ाकर तेल गरम करके मध्यम आंच में सुनहरा होने तरफ दोनों तरफ से तल लेंगे।
इसे तलने में कम से कम 10 से 12 मिनट लगेंगे। मैंने पहले से ही कुछ करके समोसा तैयार कर लिए थे। तलने के बाद ये समोसे इस तरह के तैयार होंगे। ये समोसे काफ़ी लंबे टाइम तक खराब नहीं होते, इसे आप एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रखें।